अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। मधुबन के आंगन में जिधर भी हम जाएं, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए। आंखों से होता अब भी उनका दीदार है, आंखों से उनका दीदार है। बन है वो आए, दूर नहीं बाबा हमसे अब दिल यही गाए, दूर नहीं बाबा हमसे अब दिल यही गाए। हम पर बरसता रहता उनका ही प्यार है, हम पर बरसता रहता उनका ही प्यार है। जग में फैलाए उनके अमृत बोलों को, हम जग में फैलाए। देकर शिक्षा हमको करते श्रृंगार है, देकर शिक्षा हमको करते श्रृंगार है। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है।
बंधनों को त्याग। मैं आत्मा क्यों यह बाप के साथ इस रौरव नरक से दू बाबा की सच्ची सच्ची गोपिका बनकर बाबा के साथ सदा यथार्थ रीति से दिल की सच्ची प्रीत के द्वारा सच्चे गीत गाने वाली मैं आत्मा पहुंच जाती हूं अपनी नैया कलयुगी दुनिया से पार लगाते नई दुनिया की ओर ले जाती मुझ आत्मा स्वयं यथार्थ रीति जान पहचान लिया है मुझे महसूस हो चुका है
कि मेरा जन्म सिर्फ परिवार रिश्ते नातों द्वारा दुख पाते रहने के लिए नहीं हुआ है, अपितु इस हीरे तुल्य अमोलक जीवन में मैं आत्मा अपने अविनाशी परमपिता परमात्मा को यथार्थ रीति पहचान कर उनसे मिलन मनाने के लिए हुआ है। अपने 84 जन्मों का अविनाशी वर्षा प्राप्त करने के लिए पुनः इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पाठ रिपीट कर रही हूं। वो अतींद्रिय सुख जो गोपियों का गाया हुआ है, स्वयं को उस गोपेश्वर अर्थात गोपियों के ईश्वर की सच्ची सच्ची गोपी का जान उस अतींद्रिय सुख का रस ले ले। कुछ समय के लिए इसी रस में खो जाए। परमात्म प्यार का सुख लेने वाली मैं सच्ची सच्ची गोपिका हूं। अतींद्रिय सुख का रस लेना यही
सच्ची गोपिका का पद्मा पदम सौभाग्य है। मुरली सुनने के लिए परमात्मा बाप से, उस सच्चे दिलबर रहबर से, अपने प्रियतम, अपने गिरधर के पास मुरली की धुन मर मगन होने वाली मैं ही, वो मुरली की मस्तानी राधे हूं। परमात्मा बाप गिरधर मोहन, मुझे इस दुखों की दुनिया से पार ले जाते हैं खिवैया बनकर नई दुनिया की ओर। देखो हमारा शिव साजन इतने प्यार से बाहे पसारे हमें बुला रहे हैं। आओ मेरी सचनी, आओ अपने अविनाशी सुहाग के पास आ जाओ। अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, देखो बाबा तुम्हें लेने आए हैं। जिस परमात्मा साजन को हम अज्ञानता में पुकार रहे थे, वही परमात्मा साजन हमारी पुकार सुनकर समय अनुसार हमारी नैया को पार ले जाने, वापस घर ले जाने आए हैं। सौंप दो अपने जीवन रूपी नैया की पतवार उस बाप शिव साजन को, वे हमें अपने घर ले जाने आए हैं। आए अब अपने सब कर्मिक खातों को बाबा की याद के बल से चुप तू करके घर चलने की तैयारी करते हैं। इस विनाश के कगार पर खड़ी मनुष्य सृष्टि पर अब आपका एक यही कार्य बाकी रहा हुआ है, पहुंच जाए परम धाम में बिंदी बन बिंदी बाप के बिल्कुल पास में, और कुछ समय के लिए ज्वालामुखी योग अभ्यास के द्वारा मैं आत्मा बिंदी अपने पुराने कार्मिक अकाउंट्स को इस ज्वालामुखी योग अग्नि में भस्म होता हुआ अनुभव करती हूँ। डीप साइलेंस में
परम धाम में स्वयं को इस ज्वालामुखी योग अग्नि से कर्म बंधनों से वो बिल्कुल हल्का और रिलैक्स अनुभव कर रहे और इसी शक्तिशाली अवस्था में परम धाम से नीचे जाती हूँ सूक्ष्म वतन में आप दादा के बिल्कुल सामने बाप दादा अपने हाथों से भूख की किट्टी तैयार कर स्वीकार कर रहे बाबा को खिलाते हैं और बाबा हमें आनंद ले इस मनोरम दृश्य का बाप दादा को भोग स्वीकार कराकर अब मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन से नीचे आ जाता हूँ इस साकारी दुनिया में साकारी रथ में अपने हाथ में जल ले ले चार्जिंग करने की महसूस करें बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख अपने पावरफुल रेस इस जल पर वाहित कर रहे हैं जल के एक एक एटम परमात्म शक्ति से हाईली पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज होते जा रहे और परिवार में सभी को हेल्थ और हैप्पीनेस प्रदान कर रही सभी स्वस्थ है खुशहाल है परिवार में सुख शांति और सामंजस्य का वातावरण है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सभी एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल व्यवहार कर रहे ईश्वरीय परिवार दैवी परिवार है सभी की एक दूसरे के प्रति बेहद शुभ भावना और शुभकामना है सहज रूप से हर कार्य में इजी वे में सफल हो रहे हैं सभी ये जल परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है इसे घर के कॉमन वेसल में प्रवाहित कर देंगे Thank you.
शांति।